के लिए है तैयार बैठे सभी। तेलुगु इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार का है ये पहली पैन इंडिया फिल्म। अल्लू अर्जुन, जिसको इंडिया के कोने कोने में लोग पहचानते हैं उनके डांस की वजह से, अब दिखने वाले हैं उनको एकदम नए अवतार में। अल्लू अर्जुन, जो कि यूजुअली काफी हंसते खेलते रहते हैं, उनको अब देखा जाएगा एक ग्रे कैरेक्टर में। पुष्पा रिलीज होने वाली है दो पार्ट्स में और दोनों पार्ट्स के रिलीज में काफी ज्यादा देर नहीं। पुष्पा पार्ट वन यानी पुष्पा द राइज का पोस्टर हाल ही में हुआ है रिलीज और उसके साथ साथ हुआ है अनाउंस की अब होने वाली है पुष्पा द राइज रिलीज। दोस्तों हम आपको बता दें कि पुष्पा रिलीज होने वाली थी अगस्त 13 को, जिसके साथ साथ क्लैश करने वाली थी भुज और शेरशाह जैसी फिल्में, लेकिन अब पुष्पा होने वाली है रिलीज दिसंबर 25 यानी कि क्रिसमस को, और तब भी पुष्पा करने वाली है क्लैश एक बड़ी फिल्म से, जो है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की मूवी के साथ पुष्पा का आमना सामना होगा देखने लायक, क्योंकि बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म में टॉलीवुड के एक चहेते अभिनेता भी है और वो है नागा चैतन्य। अब एक तरफ है नागा चैतन्य और एक तरफ है टॉलीवुड के आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, तो किसी चुनेंगे लोग। अब ये देखना बनता है कि तेलुगु ऑडियंस किसको करती है चूज, अल्लू अर्जुन या नागा चैतन्य को। लेकिन एक बात है जो खड़ी कर रही है दीवार पुष्पा की रिलीज के लिए। दोस्तों मलयालम ऑडियंस में अल्लू अर्जुन है काफी पॉपुलर, मगर उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद हो रही है दिक्कत पुष्पा रिलीज होने में। आइए जानते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। दोस्तों पुष्पा के मेकर्स इस फिल्म के मलयालम वर्जन के राइट्स के तहत कर रहे हैं मांग 6 से 7 करोड़ की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है इस फिल्म को खरीदने में कोविड सिचुएशन के चलते। केरला का सिचुएशन कोविड में कितना डिटोरिएट कर चुका है ये हमें पता है, और अगर अब अल्लू अर्जुन की ये मूवी रिलीज की जाएगी तो लोग अपने आप को मूवी हॉल्स में जाने से नहीं रोक पाएंगे और इसी वजह से कोविड केसेस भी बढ़ सकते हैं। मगर पुष्पा की टीम भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो अपनी कोशिश में जारी है ताकि ये मूवी केरला में भी रिलीज हो सके, और शायद इसलिए पुष्पा द राइज की डेट क्रिसमस में शिफ्ट कर दी गई है। तो क्या आप है एक्साइटेड अल्लू अर्जुन की पुष्पा के लिए? क्या ये फिल्म दे पाएगी लाल सिंह चड्ढा को मात? हमें बताइएगा जरूर, और फिल्मी वर्ल्ड से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।